नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अरे वाह, आपको भी शुभकामनाएं। अच्छा, क्या आप जानते हो कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ दीदी, आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के क्रूर राज से रिहा हुआ था। कई देशभक्त वीरों की बहादुरी की ही वजह से आज हम और आप आजाद हैं। दीदी, हम भी उन्हीं की तरह बहुत बड़े देशभक्त बनना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर देश की रक्षा उसके जवान और बच्चों से ही तो होती है, तो क्यों ना आज मैं आपको एक देशभक्ति वाली ही कविता सिखाऊं? अरे वाह दीदी, सिखाइए ना। तो सुनो और मेरे साथ साथ दोहराओ। इस कविता का शीर्षक है नन्हे नन्हे सेनानी। हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी। हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी। मातृभूमि की बलि देवी पर शीश कटे अभिमानी। मातृभूमि की बलि देवी पर शीश कटे अभिमानी। हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी। हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी। मत समझो हम नन्हे नन्हे, ताकत है हम में भारी। मत समझो हम नन्हे नन्हे, ताकत है हम में भारी। हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी। हंसते हंसते आज चले हम नन्हे नन्हे सेनानी। हम नन्हे नन्हे सेनानी। दीदी, ये कविता ही नहीं, हमारा देश के प्रति ये प्रण भी है। हम इसको जरूर अपनाएंगे। अरे वाह, मैं यही तो सिखाना चाहती थी इस कविता के माध्यम से। हमें हमेशा अपनी मातृभूमि से बेहद लगाव और प्रेम करना चाहिए। हाँ दीदी, हम तो सच्चे देशभक्त बनेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी फूल कुमारी दीदी को दो विदा, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कहानी, किस्से, कविता और प्रेरक प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दीदी। जय माँ भारती। जय माँ भारती।